जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे लिपुन आपको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हो 6 सेप्टेम्बर मंगलवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूजेस रही चलतु देखा ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर थी ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लाटेस्ट इनफर्मेसन रही आपण मैंने सर्वप्रथमें पाइपे तो चलतु आजिकार टॉप न्यूजेस कौन रही देखा लेट स्टार्ट। प्रथम अपडेट रोचे अटल पेंशन योजना बंद हो केन्द्र सरकार नेबापाई जाउछंती बड़ निष्पत्ति। केन्द्र सरकार आसंता मासरु सरकारी स्कीम रे किछि बड़ धरणर परिवर्तन करिबा पई जाउछंती। आपण माने जदि एपरि किछि सरकारी स्कीम रो फायदा नेउछंती तेबे एने अपडेट रहिबा जरूरी। केन्द्र सरकार आसंता मासठारु अटल पेंशन योजना बंद करिबा पई जाउछंती फलर अक्टोबर मासठारु देशर किछि लोकंकु यार फायदा मिलिबो नाही। अटल पेंशन योजनार नुआ नियम अनुजाई इनकम टैक्स पैठ करुथुबा व्यक्ति माने एणिकी ए स्कीम रो फायदा नेई पारिबे नाही जाके नुआ नियम अनुजाई आसंता अक्टोबर मासठारु लागू हेबा पई जाउछि। जदि आपण माने करदाता अटंती आउ ए सरकारी स्कीम रो फायदा नेबा पई चाहंती तेबे आपणक पाखरे केवल सेप्टेम्बर मासर समय रहिछि। सेप्टेम्बर 30 परे आपण माने आउ ए स्कीम रो फायदा नै पारिबे नाही। तो जो माने पूर्वर ए स्कीम रे खाता खोली सारी सेमानंकु आउ एरो फायदा मिलिबो नाही। जदि जणे अक्टोबर 1 परे अटल पेंशन योजना रो खाता खोलंती तेबे तांकु प्रथम इनकम टैक्स पैठ करिबा पई पड़िबो नचेत तांकर खाता बंद करि दिया जिवो। सूचना योग्य जे 18-40 वर्षर जे कोनोसी भारतीय नागरिकंकु यही योजनार बेनिफिट दिया जाए थाए। परवर्ती अपडेट रोचे पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल एक घूर्णिवलय सृष्टि होवार संभावना रही। आसंता 7 तारीख सुधा एक घूर्णिवलय सृष्टि होवार संभावना रही। यार परवर्ती 48 घंटे लघुचापर रूप नहीं पारे। यार प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। एथिपाई आसंता 9 तारीख पर्यंत 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करा। जिला गुड़िक होची अनुगुल भद्रक बौद्ध कटक ढेंकानाल जगत सिंहपुर जाजपुर कलाहांडी कंधमाल केन्दुझर केन्द्रापड़ा खोर्धा मयूरभंज नयागढ़ पुरी जिले में विजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होवार संभावना रही। परवर्ती अपडेट रोचे मुख्यमंत्री आगमन नहीं कमिश्नरेट पुलिस व्यापक व्यवस्था। भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में मुतयन रे 30 प्लाटून फोर्स। मुख्यमंत्री को संवर्धना 50,000 लोकंर समागम संभावना रही। व्यापक भिड़ नियंत्रण पर ट्राफिक व्यवस्था कड़ाकड़ी पालन होब। विभिन्न स्थान में 3 अतिरिक्त ट्राफिक पार्किंग व्यवस्था कर आवश्यक स्थल ट्राफिक डाइवर्सन और ब्यारिकेड व्यवस्था होब। विमान जात्रा जात्री पुलिस परामर्श धार्य विमानर समय 3 घंटा पूर्व विमान बंदर में पहुँचा को परामर्श दि जाए। परवर्ती अपडेट रोचे भीषण वर्षा बेंगालुरु स्थिति बेहाल। अनवरत मेघ जो समग्र सहर उबुटुबु फल लोक मैंने ना नसुविधार सम्मुखीन होती जल निष्कासन हो पार समस्या द्विगुणित तो स्थिति एमती हो समग्र सहर जल घेर थी समस्या उपजुची कारण सहर को 2 दिन हेब जल जोगाण बंद कर दि जाइए। कावेरी नदी विशोधन कर जल जोगाण करुवा पा प्रकल्प अत्यधिक पाने बुड़ जा फल अचलावस्था सृष्टि एथपाई जल जोगाण को बंद कर दि जाइए। बेंगालुरु प्राय 50 इलाका एवं जलबंदी रही सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे पीडीएस हिताधिकारी एणिकी मिलिबो विटामिन युक्त कृत्रिम चाउल प्रस्तुत कले सीआरआरआई वैज्ञानिक एणिकी सर्वसाधारण बंटन व्यवस्था बा पीडीएस बा राशन ले हिताधिकारी विटामिन युक्त चाउल मिलिबो। पूर्वर संबलपुर बरगढ़ परी जिले में ए पीडीएस चाउल बंटन हो आसुवा बेले एवं कटक समेत उपकूलवर्ती जिला मानकरे या बंटन करा आसंता वर्ष एप्रिल मासरु चाउल बंटन करापड़ी तेबे विटामिन युक्त चाउल गर्भवती अपपुष्टि शिकार होता पिला एवं वयस्क व्यक्ति को आवश्यक मात्रे पोषण जोगाइब। प्रत्येक 99 kg पीडीएस चाउल रे कृत्रिम भाव प्रस्तुत विटामिन युक्त चाउल को मिश्रण करा जिवो। प्रति 50 kg प्याकेट रे
এই ভিটামিন যুক্ত চাউলর 500 গ্রাম মিশা যাব বলে স্থির হয়েছে। যাকে চাউল সম্পর্কে কটক স্থিত কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রর জনে বরিষ্ঠ সাইন্টিস্ট কইছন্তি এই ভিটামিন যুক্ত চাউল বাস্তবরে চাউল নুয়ে মাত্র ইয়াকু চাউল আকাররে প্রস্তুত করা যাইছি। এয়া চাউলরে মিশিগলা পরে উভয়ক মধ্যরে কিছু পার্থক্য জনা পড়িব নাহি। যাকে চাউলরে লোহসার জিঙ্ক ভিটামিন ই এবং বি রয়েছে জনে মহিলাঙ্কর লোহসার অভাবক এই সার পূরণ করে পারিব বলে কুহাযাউছি। পরবর্তী অপডেট রয়েছে শিক্ষক আশায়ীঙ্ক পাই খুশি খবর, রাজ্যরে খুব শীঘ্র পূরণ হব আউ 7000 শিক্ষক পদবি। এনেই আসন্তা মাসরে নিযুক্তি নেই বিজ্ঞপ্তি বাহারিব বলে কইছন্তি স্কুল ও গণশিক্ষা মন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাস। সে আউরি মধ্য কইছন্তি যে গুণাত্মক শিক্ষা পাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্য রহিছি। পূর্বরু 2টি পর্যায়ে 13000 শিক্ষক নিযুক্তি পাইসারিছন্তি, আউ এবে 7000 শিক্ষকঙ্ক পদবি পূরণ হেবো বলি সূচনা রয়েছে। পরবর্তী অপডেট রয়েছে আসন্তা 7 তারিখরু কংগ্রেস ভারত জোড়ো অভিযান আরম্ভ করিব। কন্যাকুমারী রাহুল গান্ধী অভিযান আরম্ভ করিবে, যাকি এয়া এক বড় জনসম্পর্ক পদযাত্রা বলি এনেই এক সাংবাদিক সম্মিলনে সূচনা দিয়েছেন এআইসিসি মুখপাত্র অনসুল অভিজিৎ। সবুঠার বড় কথা হল এই পদযাত্রা 12টি রাজ্য এবং 2টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হব। 150 দিনের এই পদযাত্রার প্রায় 3500 কিলোমিটর পরিধি ভিতর যায় করা যাব। পদযাত্রার 30% মহিলা সামিল হবে। ওয়েবসাইটর এর সিধা প্রসারণ হব, যাকে এই পদযাত্রার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভুষুড়ি পড়িথিবা অর্থনীতি, দরদাম বৃদ্ধি, বেকারি সমস্যাকে নিয়ে লোকঙ্ক পাখক পৌঁছাইব কংগ্রেস। লোককে সচেতন করাই লোকঙ্ক সমস্যা শুনিবে বলে কংগ্রেস এই ভারত জোড়ো অভিযান মুদ্রা করেছি। এপটে পিসিসি সভাপতি শরদ পট্টনায়ক কইছন্তি ওড়িশারে মধ্য এই পদযাত্রা হব। ওড়িশা কংগ্রেসরু 100 জন প্রতিনিধি যাবে, সেমানে ওড়িশারু পানি এবং মাটি নেই ভারত জোড়ো অভিযানরে সামিল হবে। জাতীয় পতাকা সহিত এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেস সহিত অন্য দলর নেতা কর্মী যুবগোষ্ঠী মানে সামিল হয়ে পারিবে। এবে দেশর পরিস্থিতি এমিতি যে বিরোধী মানে লোকঙ্ক পাখক যাই সচেতন করাইবা ব্যতীত অন্য কৌণসি উপায় নাহি। পরবর্তী অপডেট রয়েছে কেবল 5000 টাকা দিয়ে ডাক বিভাগের এক ফ্রাঞ্চাইজ নিয়ন্তু হব বড়িয়া রোজগার। সারা ভারতের 3 লক্ষর অধিক ডাকঘর অছি। এই ডাকঘর গুড়িক কেবল চিঠি কিংবা পার্সল বিতরণ কার্য করতে না বরং সঞ্চয় যোজনা এবং বীমা পরি আর্থিক সেবা মধ্য প্রদান করতে। ডাকঘর আপনার কেবল সুধরু টঙ্কা রোজগার করিবার সুযোগ দেউনা, বর্তমানে আপন মানে ডাকঘর ফ্রাঞ্চাইজ মধ্য নেই পারিবে। আপনার অঞ্চলের এই ফ্রাঞ্চাইজ গ্রহণ করে আপন মানে সাধারণ লোককে সেবা যোগাই পারিবে এবং নিজে মধ্য ভাল লাভ পাই পারিবে। যাকে ডাক বিভাগ দেই থাকে ফ্রাঞ্চাইজ, ডাক বিভাগের এক ফ্রাঞ্চাইজ নেই আপন মানে ডাক স্টাম্প, স্পিড পোস্ট, রেজিস্ট্রি, মনি অর্ডার ইত্যাদি সেবা দিয়ে রোজগার করে পারিবে। এই যোজনা অধীনে যেকোনসি ভারতীয় নাগরিক ডাকঘরর ফ্রাঞ্চাইজ নেই পারিবে। ফ্রাঞ্চাইজ মডেল অনুযায়ী ভারতীয় ডাক বিভাগের ডাকঘর যোগাইবা আরম্ভ করেছি। যাকে থরে তুমি ডাকঘর ফ্রাঞ্চাইজ পাইলে 6 মাস পরে এখন আগুক নেওয়া সমীক্ষা করা যাব। ডাক বিভাগ অনুযায়ী যদি আপনার কাম ভাল চলে তবে আগুক নিয়া যাব। তো চলন্তু জানি নেবা আপন মানে কিপরি আবেদন করিবে। ডাকঘর ফ্রাঞ্চাইজ নেওয়া আপনার সর্বনিম্ন বয়স 18 বর্ষ হওয়া উচিত। এয়া ব্যতীত আপনার 8ম পাশে এক মার্কসিট রহবা উচিত। এই যোজনা বিষয়ে বিশেষ কথা হচ্ছে সর্বাধিক বয়স সীমা নাই, অর্থাৎ আপন মানে অবসর পরে মধ্যে আপন এর ফ্রাঞ্চাইজ নেই পারিবে। যদি আপন মানে এথিপাই আবেদন করিবা পাই চাহান্তি তেবে আপনার ডাক বিভাগের সিকুরিটি ভাবে 5000 টাকা জমা করিবা পাই পড়িব এবং আপনার 200 বর্গফুট্র এক অফিস মধ্যে রহবা উচিত। এরপরে আপন মানে ফ্রাঞ্চাইজ মডেলে ডাকঘর পাইবে। তো কেমিতি কমিশন পাইবে, কেতে কমিশন চলন্তু জানি নেবা। তো দেখন্তু ভারতীয় ডাক বিভাগের ওয়েবসাইট অনুযায়ী আপনার পঞ্জীকরণের 3 টাকা, স্পিড পোস্টরে 5 টাকা, টিকেট বিক্রি উপরে টিকেট মূল্যরে 5% কমিশন, স্পিড পোস্টরে পার্সলে 7-10% কমিশন মিলিব।
ତ ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଡାକଘର କିପରି ଖୋଲିବେ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକଘର କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକଘର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଡାକଘର ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଡ଼େଲରେ ଏକ ଡାକଘର ଖୋଲିପାରିବେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବେକାର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ତ ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଡାକ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ ସେବା ପାଇଁ ଚାହିଦା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏକ ଡାକଘର ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ଡାକ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଡାକ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂଆ ଭାରତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନୂଆକରି ହେବାକୁ ଥିବା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପୁନଃ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଯାହାକି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନୂଆ IPHS ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବି ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଡେ କେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡେ କେୟାର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ। ଡେ କେୟାରରେ ଦୁଇ ବେଳା ପୂର୍ବ ଭଳି ବହିର୍ବିଭାଗ ରହିବ, ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 6 ଶଯ୍ୟା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ନେଇ ତେଜିଲା ଦାବି। ଆସନ୍ତା 7ରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମହାବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଗଠନ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଟେଲ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ଏକ ବାସଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ମହାବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ମହିଳା ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଓକିଲ ସଂଘ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ସାମିଲ ହୋଇ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲିର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆବାହକ ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୋଶଳ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆବାହକ ବନମାଳୀ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଶାଖା ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଉପସ୍ଥିତ ରାଜୁ ବାରିକ, ସମ୍ପାଦକ ଯତୀନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ନେଇ ମାନେ ଦାବି ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ଧୋଇଯାଇଛି, ପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରିବା ଫଳରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାନ ଫସଲ ଏବେ ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 83,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 20,000 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ବନ୍ୟା ଏବଂ ପଛୁଆ ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯାହାକି ଏବେ ପ୍ରାୟ 30,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଛଗାଁ ଏବଂ ତାଳଦଣ୍ଡା ପରି ଦୁଇଟି ବୃହତ କେନାଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନାଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଚାଷ ଜମିକୁ କେନାଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ଫଳରେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବେ ଏବଂ ବର୍ଷକର ହାର କେଉଁଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, 300ଟି ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବ SBI ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି
सरकारंकर लक्ष्य। एहा अधीनरे पब्लिक सेक्टर ब्यांक गुड़िक आर्थिक समावेतन अभियान अधीनरे विभिन्न राज्यर ग्रामांचलरे डिसेंबर 2022 सुधा प्राय 300 ब्रांच खोलिबे जेउठारे ब्यांकिंग सेवा ए पर्यंत पहुँची नाही। जनसंख्या 3000 रु अधिक थिबा ग्रामांचलरे ए ब्रांच गुड़िक खोलाजिब। सूत्रर मिलिथिबा सूचना अनुसार ब्यांकिंग सेवा द्वारा ए पर्यंत प्रभावित होइनथिबा गाँ गुड़िकरे नुआ ब्रांच खोलाजिब। सबुठारु अधिक 95 ब्रांच राजस्थान रे, मध्यप्रदेश रे 54 ब्रांच खोलाजिब, गुजरात रे पब्लिक सेक्टर 38 ब्रांच, महाराष्ट्र रे 33, झारखंड रे 32, यूपी रे 31 ब्रांच खोलाजिब। ब्यांक अफ बरोदा ए क्षेत्र रे 76 ब्रांच एवं स्टेट ब्यांक अफ इंडिया 60 ब्रांच खोलिबो बोली सूचना रहुचि। अन्य पक्षरे सरकार IDBI ब्यांक रे निजर अंशधन बिक्री करिबाकु योजना करिछंती। सूचना अनुसार RBI सहित आलोचना शेष पर्यायरे रहिचि। RBI एवं सेबी सहित किछि प्रसंग उपरे आलोचना करिबार आवश्यकता रहिचि। परवर्ती अपडेट रहुचि ओडिशा खो खो टीम कु 1 कोटी टंका घोषणा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोषणा कले पुरस्कार राशि। अल्टीमेट खो खो ओडिशा जगर नट्स चंपियान होईची। महाराष्ट्र पुणे रे श्री छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रे चलिथिबा अल्टीमेट खो खो लीग रे तेलुगु जोधा सकु हराई ओडिशा चंपियान होईतिबा सूचना रहिची। परवर्ती अपडेट रहुची CBSE पक्षरु जारी हला सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम। समस्त कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्र छात्री करिपारिबे आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पक्षरु सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप पाई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईची। कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्र छात्री माने केंद्रीय स्कॉलरशिप पाई आवेदन करिपारिबे। छात्र छात्री माने जातीय स्कॉलरशिप रो वेबसाइट scholarship.gov.in कु जाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिपारिबे। छात्र छात्री माने वेबसाइट कु जाई सेमानकर स्कॉलरशिप क्यू रिन्यू मध्य करिपारिबे। 2021 वर्ष पई प्रथम रिन्यू, 2020 वर्ष पई द्वितीय रिन्यू, 2019 वर्ष पई तृतीय रिन्यू एवं 2018 वर्ष पई चतुर्थ रिन्यू करिबा पई पोर्टल रे व्यवस्था रहिची। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिन्यूअल एवं फ्रेश स्कॉलरशिप पई आवेदनर अंतिम तारीख आसंता अक्टोबर मास 31 तारीख रहिची। तो जो माने नुआ आवेदन करिबा पई चाहुचंती बा रिन्यूअल करिया पई चाहुचंती तो सेमाने अक्टोबर मास 31 तारीख पूर्वरु आवेदन करिपारिबे। तो देखंतु स्थिरीकृत होइतिबा तारीख मध्यरे ऑनलाइन आवेदन करिबाकु छात्र छात्री को परामर्श दिया जाइछि। एथि सहित छात्र छात्री माने सेमानंकर ऑनलाइन इनवैलिड एप्लीकेशन को शिक्षानुष्ठान द्वारा वेरीफाई करिबा पई कुहा जाइछि। ए स्कॉलरशिप पई आवेदन करथुबा छात्र छात्री माने सेमानक पाखरे बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, अभिभावक आय प्रमाणपत्र बा इनकम सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाणपत्र, भिन्नक्षम प्रमाणपत्र प्रस्तुत रखिबा पई कुहा जाइछि। एथिरे आवेदन करिबा कुहेले छात्र छात्री को प्रासंगिक स्ट्रीम रे 80% रु अधिक मार्क रखिथिबा आवश्यक। सेमानकर फैमिली इनकम वर्षकु 8 लक्ष रु कम होइथिबा दरकार। डिप्लोमा छात्र छात्री स्कीम रो फायदा उठाई पारिबे नाही। एने अधिक तथ्य पई छात्र छात्री माने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई कि डिटेल्स चेक करि पारिबे। परवर्ती अपडेट रहुची सरकारी और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी बढ़ रिटायरमेंट बयस। EPFO पक्षरु दियागला प्रस्ताव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO पक्षरु प्राइवेट एवं सरकारी कर्मचारी अवसरकालीन बयस वृद्धि नहीं प्रस्ताव दिया जाइछि। कर्मचारी रिटायरमेंट बयस बढ़िबा नहीं किछि दिन पूर्वरु हेउथुला। देशरे वरिष्ठ नागरिकंकर वृद्धि को दृष्टि रखि EPFO पक्षरु रिटायरमेंट बयस वृद्धि नहीं विचार करा जाउछि। एक रिपोर्ट मुताबक रिटायरमेंट बयस वृद्धि होबा फलरे पेंशन सिस्टम उपरे एहार भार बहुत कम होइजिव। फलर यार फायदा उभय सरकार एवं कर्मचारी को मिलिव। सेई कारणरु सरकारी प्रस्ताव उपरे विचार करुछंती। EPFO रो रिपोर्ट अनुजाई आसंता 2047 मध्यरे भारतरे 60 वर्षरु अधिक वयस्कंक संख्या 14 कोटी रु अधिक टपि जीव। यार परिमाण स्वरूप पेंशन फंड उपरे अधिक चाप सृष्टि हेबो।
जदि कर्मचारी रिटायरमेंट बयस वृद्धि हुए तेबे एहा पळरे पेंशन फंड रे कर्मचारी पक्षर अधिक अर्थ जमा हेबो एवं कर्मचारी को अधिक बेनिफिट मिलिबो बोली जन अधिकारी कहिसंती जाके भारत रे वर्तमान अवसर बयस 58 रु 65 मध्य रे रहिछि एथिरे उभय घरोई एवं सरकारी क्षेत्र रो कर्मचारी रहितिबा सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहिछि पंजाब नेशनल बैंक रो ग्राहक मानक पई एक बड़ खुशी खबर। घरे बसी आपण माने निज मोबाइल ले बैंक रो विभिन्न सुविधा पाई परिबे। मात्र गोटिए फोन करले बैंक सहित जड़ित किछि सुविधा आपण माने हासिल करि परिबे। एने पीएनबी बैंक तरफरु ट्वीट करी सूचना दिया जाइछि। मोबाइल ले बैंकिंग रो सुविधा पाई परिबे ग्राहक जहाँकु नहीं ऑफिशियल ट्विटर रे लिखी पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच को न जाई गोटे नंबर रे कॉल करी आपण माने बैंक रो किछि सुविधा हासिल करि परिबे। तेबे जेउ नंबर रे आपण मानंकु केउ सुविधा हासिल करि परिबे ता आपणकु मोबाइल रे सेव करि नियंतु ए नंबर। तो देखंतु नंबर रहिछि 1800182222 तापर आउ गोटे नंबर रहिछि 1800103222 ता आपण माने नंबर डायल करि परिबे बोली सूचना रहिछि। ता सहित ईमेल अछि ईमेल ले आपण माने कांटेक्ट करि परिबे जाके नंबर आपण माने क्लॉक माने कॉल करिकि आपण माने डेबिट कार्ड इश्यू किंबा ब्लॉक करिबा बैलेंस इंक्वायरी करि परिबे पांचटी ट्रांजेक्शन विषय आपण माने जानि परिबे सेपरि चेक बुक रो रिक्वेस्ट करि परिबे स्टेटस चेक करबा सहित पेमेंट चेक करि परिबे बोली सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहुछि लीज ट्रस हेले ब्रिटेन रो नुआ प्रधानमंत्री। ब्रिटेन रो विदेश मंत्री लीज ट्रस नुआ प्रधानमंत्री होइछंती। बोरिस जॉनसन को उत्तराधिकारी हेबे लीज ट्रस बोली सूचना रहिछि। भारतीय वंशभव ऋषि सुनंग को पछरे पकाई जितिले लीज ट्रस। परवर्ती अपडेट रहुछि बीसीसीआई रो नुआ टाइटल स्पन्सर मास्टर कार्ड हटिला पेटीएम बोली सूचना रहिछि। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रो नुआ टाइटल स्पन्सर हेउछि मास्टर कार्ड। पूर्वरु टाइटल स्पन्सर थिला पेटीएम ए दायित्वरु हटि जाइछि बोली सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहुछि राजधानी दिल्ली रो एक्जाइटी विभाग दिल्लीर मेट्रो स्टेशन परिसर रे मद दुकान खोलिबा कार्य आरंभ करिछि जहाद्वारा बहुत संख्यक लोकंकु एहा बिक्री करा जाई पारिबो। अधिकारी माने शनिवार दिन सूचना देइछंती। एक्सपोर्ट विभाग जणे वरिष्ठ अधिकारी कहिछंती जे बदरपुर द्वारका कोरलबाग रौजारी उद्यान एवं मुंडला समते बड़ कॉम्प्लेक्स सहित मेट्रो स्टेशन ले अधिकर अधिक मद दुकान खोला जाइथिबा सूचना रहिछि। तो जहाँ फल अधिका बिक्री होई पारिबो। परवर्ती अपडेट रहुछि स्टार्टअप मानंकु आगु को बढ़िबा पई आगामी 5 रु 6 वर्ष मध्य रे केंद्र सरकार 10,000 रु अधिक स्टार्टअप को प्रोत्साहन देबा पई योजना करिछंती। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव अलकेश कुमार शर्मा कहिछंती जे स्टार्टअप मानक पूंजी जोगाड़ करिबा एक समस्या नुहे सेमाने विभिन्न उपाय अभिवृद्धि पाई आगे आसुचंती तेणुकरी आदो समस्या नुहे। वर्तमान आमे परवर्ती पर्याय को जाऊछु जेउठारे एक अग्रणी क्लाउड माइनिंग कंपनी एवं आमर एक विश्वस्त अंशीदार आमे प्रोग्राम आरंभ करिबा पाई जाऊछु। आसंता 5-6 वर्ष मध्यरे आमे 10,000 अधिक स्टार्टअप उत्साहित करिबा पई जाउछु। स्टार्टअप कंपनी गुड़िक पूर्वरु अर्थ अभाव भयरे एक प्रश्नर उत्तर रे शर्माया कहिछंती। तो गत जुलाई रे सरकार डिजिटल इंडिया जेनेरेशन कार्यक्रम घोषणा करिथिले अभिनव स्टार्टअप पई परवर्ती पीढ़ीर सहायता कार्यक्रम जेनेसिस पई 750 कोटी टंका पांठी आवंटित होईछि। एथिसहित स्टार्टअप को मजबूत करिबा पई केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मध्य तालिका जारी करा जाइछि। एहा 2018 रे आरंभ होइथिला। तो जहाँकि आज 30 रु अधिक राज्य और केन्द्र शासित अंचल स्टार्टअप नीति रही केवल एतिक नुहे 37 राज्य केन्द्र शासित अंचल निजस्व राज्य स्टार्टअप वेबसाइट अच्छी सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे भुवनेश्वर में मिलू नकली टाटा लुण एवं सर्फ एक्सल सर्फ तेणु आपण माने ए जिनस किणवा पूर्व भल भाव देखिकी किणतु। परवर्ती अपडेट रोचे आरंभ है बस्तीर महिला और युवती मेहंदी प्रशिक्षण
कमिश्नरेट पुलिस पक्षर बस्तीर महिला और युवती मानू तालीम दे स्वावलंबी करने को एक अभिनव प्रयास। कमिश्नरेट पुलिस बस्ती को चाल अभियान अंतर्गत तालीम शिविर आयोजन होई दुईदिनिया शिविर चारिज मेहंदी प्रशिक्षक विभिन्न डिजाइन शिखाई पुलिस केमिति बस्ती बासिंदा सहित मिसी कम करें से नहीं फोकस पुलिस पूर्वर टैलेंट डेवलपमेंट क्रीड़ा स्किल डेवलपमेंट तालीम दि जाए जैसे आगे कार्यक्रम जारी रही कहते डीसीपी प्रतीक सिंह। परवर्ती अपडेट रोचे विज्ञान भवन में 45 जन शिक्षक शिक्षयित्री को पुरस्कृत कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशार ईश्वर चंद्र नायक को कले सम्मानित बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे एम्स रे ग्रेजुएट पिला चाकरी सुजोग सप्तम वेतन कमिशन अनुजाई मिलिब दरमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में चाकरी खोजुले आपण सुवर्ण सुजोग ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ऋषिकेश रे चाकरी करिवार सुवर्ण सुजोग ऋषिकेश स्थिति एम्स रे क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पदवी पाई खाली पड़ी पदवी तो जो माने आवेदन करने चाहती जाकि एम्स ऋषिकेश .edu.in को जाकि आवेदन करें। परवर्ती अपडेट रोचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन नुआ प्रधानमंत्री लीज ट्रस को ट्विट कर शुभेच्छा जनई से कही ट्रस नेतृत्व में भारत ब्रिटेन मध्य द्विपाक्षिक संपर्क आहरी सुदृढ़ होगापी जा नूतन दायित्व सफल कार्यकाल मोदी शुभेच्छा जनई। परवर्ती अपडेट रोचे गुजरात में राहुल निर्वाचन प्रतिश्रुति कृषकों ऋण छाड़ 500 टंकारे मिलिबो गैस सिलिंडर बोली से कही राहुल गुजरात में निज दल क्षमतार आसवा को नहीं राज्य कृषकों 3,00,000 टंका पर्यंत ऋण छाड़ करिबा एलपीजी सिलिंडर मूल्य 1,000 टंकारु कम करी 500 करिबा कृषकों मागणा बिजुली एवं साधारण उपभोक्ता 300 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली देबार प्रतिश्रुति जाकि अहमदाबाद रे परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित करी से गुजरात लोकों पर अनेक प्रतिश्रुति एथिरे 1,00,000 चाकरी एवं 3,000 इंग्राजी मीडियम स्कूल निर्माण झीवों को मागणा शिक्षा दिया घोषणा करी। परवर्ती अपडेट रोचे गुरु दिवस रे पीएम सिरी योजना आणिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलिब 14,500 स्कूल नक्सा गुरु दिवस अवसर में जाकि पीएम सिरी योजना आनी जाकि स्कूल रोइबो अत्याधुनिक शैक्षिक एवं क्रीड़ा भित्तिभूमि प्रधानमंत्री कहले योजना सहित सफल हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो जाकि गुरु दिवस अवसर में बड़ घोषणा करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर 14,500 स्कूल बदलिबो नक्सा ए स्कूल गुड़िक भित्तिभूमि विकास और आधुनिकरण हो प्रधानमंत्री द्वारा नुआकरी घोषणा करोजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम सिरी अधीन सारा देश में 14,500 विद्यालय भित्तिभूमि विकास कराई मॉडल स्कूल परिणत हो सूचना रुचि। गतकाली संध्या रे प्रधानमंत्री मोदी ट्विट जोगे घोषणा करने समय खुशी व्यक्त करिसंती योजना अधीन समग्र देश में मोट 14,500 स्कूल भित्तिभूमि विकास करा सहित ए स्कूल गुड़ी को देशर मॉडल स्कूल परिणत करा जिबो जहाँकि जातीय शिक्षा नीतिर प्रकृत कार्यकारिता को सफल करिबो बुली प्रधानमंत्री कहिसंती। तो जहाँकि आज कार टॉप न्यूज आसा ता सहित जो मैंने निज मोबाइल मध्यम पैसा रोजगार करने चाहती सबुठारु बहुत बड़े आप्लिकेसन रही 5paisa आप्लिकेसन जोड़ी प्रति रेफर आपको 200 टंका मिलिबो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे समस्ते जल्दी जल्दी डाउनलोड करके पैसा कमातु जिते रेफर करेंगे सेते कमे जोटा बैंक खाता को नहीं पारे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ।